सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वीआईटी ईईई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो मेनली मैं आपको 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। पहला ये है 2017 का, दूसरा है 2018 का, तीसरा है 2019 का और चौथा है 2020 का। तो चारों मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और ये वीडियो जो लाइव है तो इसलिए आपके जो भी क्वेरीज है तो आप लाइव चैट्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ करते हैं वीडियो को शुरू। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो आंसर्स है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस हिसाब से ढूंढ सकते हैं सब कुछ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके सामने समय जो है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का 2017 का। कुछ बच्चों की मैं क्वेरी सॉल्व कर दूं इसी के साथ। सबसे पहले जब तक आप जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके लाइव चैट्स में अपने जो है आंसर से वो बता सकते हैं। मेनली एक दो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम फोन के साथ वेबकैम अटैच करके दे सकते हैं पेपर। तो अभी तक जितने भी मेरी ऑफिशियल से बात हुई है उन्होंने मना किया है कि उन्होंने कहा है या तो आप लैपटॉप में वेबकैम के साथ दे दो या फिर कंप्यूटर से, बट फोन के साथ नहीं चल पाएगा। बट अभी भी कुछ मतलब कि चेंजेस वगैरह हो सकते हैं कि बहुत बच्चों के साथ फोन वगैरह ही हो तो इसलिए हो सकते हैं बहुत ज्यादा चेंजेस भी हो आगे। आगे हम बात कर लेते हैं। बहुत बच्चों ने पूछा था कि काउंसलिंग के बारे में बता दो। तो काउंसलिंग के बारे में आपको मैं अभी कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीआईटीईई का एग्जाम जो था वो कंडक्ट नहीं हुआ था। तो इस बार जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो काउंसलिंग चेंजेस है बहुत ज्यादा हो, काउंसलिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो हम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का मतलब पूरा पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक आंसर भी बताने वाली हूँ कि आप कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। तो ये है आपका पेपर। तो फर्स्ट पेपर यहाँ पर आपको गिवन है, इफ अ फोर्स एफ 2x + 3x स्क्वायर n acts along x axis on an object and moves it from x is equals to, अंदर में पूरा क्वेश्चन है। तो आपको अगर सर्च करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको उस समय जो होगा आप ये कॉपी पेस्ट तो कुछ कर नहीं सकते हो, उस समय आपको डायरेक्ट टाइपिंग करनी पड़ेगी अपने फोन वगैरह में। जैसे कि हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया गूगल पे। गूगल पे आप जैसे ही पेस्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं मतलब कि वेबसाइट जैसे ब्रेनली टॉपर्स मतलब कि बहुत सारी साइट्स पे भी आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत बच्चे भी कहेंगे कि फिर आप हमारे को आंसर्स प्रोवाइड करोगे या नहीं, तो यस मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। बट एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे पास सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होंगे और बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि हम आपको क्वेश्चन कहाँ पे भेजें, तो अभी जो है मैंने अपना इंस्टाग्राम जो है एक्टिव नहीं किया है। बट आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे इंडियन ट्यूटर जो है इंस्टाग्राम पे तो उसे फॉलो कर सकते हैं। मेनली अभी जो है मैं आपको इंस्टाग्राम पे आंसर्स पक्का नहीं है मैं आपको प्रोवाइड करूँ, मेनली जो है मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगी तो आप इस चैनल की सेकेंड और फोर्थ या फिर सिक्स्थ मोस्ट व्यूड वीडियोज है वो चेकआउट कर सकते हो। मैंने पहले भी कुछ एग्जाम्स के जो है वो ऐसे आंसर्स प्रोवाइड करे हैं तो उसी टाइप से मैं आपके भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपको पहले बता दूं सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ टॉप मोस्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल आपको चेक करनी है। और ऐसे ही आपको ये पास है सैंपल क्वेश्चन पेपर है तो अभी आप क्या कर सकते हो, या तो अभी आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और एक एक आंसर को सॉल्व करके मुझे ना आंसर्स बताते चलो, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको मतलब पिन करते चलूंगी कमेंट उसका लाइव चैट्स पे। और इससे कि आपको ये भी पता चल सकता है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। पहले का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप बता सकते हैं लाइव चैट्स पे। और बाकी ऐसे ही आप सेकंड थर्ड वगैरह मैं आपको सारे क्वेश्चन सब दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, बहुत बच्चे कहते हैं कि क्या हम स्क्रीनशॉट ले लें मतलब कि इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट यस जो हेल्प मैं आपकी इस वीडियो में करने वाली हूँ तो वो आपकी स्क्रीनशॉट में मतलब कि आपको कुछ सुनाई तो देगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं हो सकता है तो ये वीडियो आपको 2-3 बार देखनी पड़े, बट एट द सेम टाइम आपकी बहुत ज्यादा भी हेल्प होने वाली है। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है मैं आपको ये भी दिखा दूं। उससे पहले आप ये चेकआउट कर सकते हो कि आपको इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से नहीं। यहाँ पे अगर मुझे लगा कि स्क्रीन थोड़ी सी मतलब ज्यादा है बड़ी है तो सबसे मैं छोटी भी कर दूंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका शो हो रहा है इस समय स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके जो जो क्वेरीज है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और अपने जो आंसर्स है ना वो जरूर लाइव चैट्स में मेंशन कर देना। मेनली मैं आपको ये जो है सैंपल पेपर जो है वो मेनली 2017 का दिखा रही हूँ। ऐसे ही एक एक करके मैं आपको सारे सैंपल पेपर्स दिखाने वाली हूँ तो इसलिए एंड तक जरूर बने रहना।
मेनली मैंने आपको बता दिया कि आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। बहुत बच्चे कहते हैं गूगल सर्च कैसे करेंगे, उस समय तो आपको वो टाइपिंग करनी पड़ेगी अपने फोन वगैरह में, उसी से आप गूगल सर्च सबसे इजीली कर सकते हो। तो ये आपका जो सैंपल पेपर है ये है 2017 के ईयर का। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर अभी भी VITE से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि अभी भी आप आगे लाइव सेशन कंडक्ट करोगे, तो आगे जो मैं लाइव सेशन अगर कंडक्ट करूंगी तो वो मैं कल से करूंगी फिर से, और बाकी 10th मई के बाद से मतलब कि 11th मई से इस चैनल में मैं आपको इंग्लिश और एप्टीट्यूड की तैयारी करवाने वाली हूँ। इसीलिए मैं उसके सैंपल पेपर्स आपको मैं डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करूंगी, उसको मैं आपको सॉल्व करवा के तभी प्रोवाइड करूंगी। अब हम आ जाते हैं 2017। पहले आप एक बार ना या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी आप मतलब कि इसको देख लो और बाद में वीडियो को आप 2-3 बार चेकआउट कर सकते हो। बट मैं आपको पहले जरूर बोलूंगी सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना अगर आपको पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। अब कई बच्चे पूछ रहे थे कि जो एग्जाम है हमारा वो 80 मार्क्स का है तो हमारे कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए। तो मेनली आपको जो मार्क्स है, अगर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करना है मतलब एडमिशन लेना है, कम से कम आपके 65 से 70 या फिर 60 to 70 के आसपास तो आने ही चाहिए। यह सारे क्वेश्चंस कि हमें आपको 10 के 10 क्वेश्चंस दिखा देती हूँ पहले, फिर हम आ जाते हैं हम सेकेंड अपने सैंपल पेपर पे। तो ये हमारे हो गए 10। अब हम आ जाते हैं 2018 का सैंपल पेपर हमारा। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेम भी हो सकते हैं, तो ये मत कहना कि सेम क्यों है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेम भी हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट ही होने वाले हैं। अब जैसे कि आप इसमें देखोगे तो सैंपल पेपर्स में दोनों में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है, वही सेकंड देखोगे सेकंड भी सेम है। तो पर आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2018 का है और वो 2017 का है। अगर हम 10th क्वेश्चन तक भी देखेंगे यहाँ पर, तो 10th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10th क्वेश्चन भी यहाँ पर आई थिंक से हमारा सेम ही है। तो अब देखेंगे दोनों बिल्कुल सेम टू सेम सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अभी मैं आपको थोड़े टाइम में प्रोवाइड करने वाली हूँ सारे। तो इसीलिए पहले मैं आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि एक बार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चेकआउट कर लो। तो अब आपको टोटल अभी 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लाइव चैट्स में अपने आंसर जरूर बता दें और जो क्वेरीज है तो वो भी पूछ सकते हैं। एक एक करके मैं आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करने वाली हूँ लाइव चैट्स में। वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आपकी हेल्प हो रही हो। अपने ना फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि इससे उनकी भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आगे अब हम बात कर लेते हैं अगला। तो अगला हमारा फिजिक्स का है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और ये मेरे लिए 2019 का। तो आप देख सकते हो कुछ हमारे जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कुछ सब्जेक्टिव टाइप। तो मेनली जैसे कि कुछ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ आपको जैसे कि ये पूरी स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको खुद सॉल्व करके ही चेकआउट करने पड़ेंगे। मैं आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रीन पूरे अच्छे से शो कर दूं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ऑप्शन जरूर चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको ये सारे जो है सॉल्व करके ना एक एक करके मुझे लाइव चैट्स में आंसर बता सकते हैं आप। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स देने वाली हूँ, 30 नहीं तो 20 सेकंड्स। तो अब आपके पास टाइम है तो आप 8:30 तक आपको अपना बताना है। मेनली फर्स्ट का आंसर आप लाइव चैट्स में बता सकते हैं और अगर आपको सेकेंड या थर्ड में से किसी का पता है तो आप उसका भी बता सकते हैं। बिकॉज इसमें मैं सिर्फ ये देखने वाली हूँ कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, ताकि अगर मैं आपको इस चैनल में तैयारी करवाऊँ तो आगे किस टाइप से तैयारी करवानी चाहिए। मेरे लिए वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है तो इसमें आपके मोस्ट ऑफ द सारी क्वेरी सॉल्व करने वाली हूँ मैं, तो इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो ये है आपके सारे क्वेश्चंस, तो अभी नहीं एक बार सॉल्व करके लाइव चैट्स पे जरूर बता सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे अब हम। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो कि हमारा 2020 का, तो ये आपका सैंपल पेपर है और इसमें भी आप देखोगे कुछ जो सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये भी सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। तो सैंपल पेपर आप चेकआउट कर सकते हैं। मेनली मैं आपको ये सारे अब शो कर रही हूँ और अब मैं आपको बता दूँ एक्यूरेट 2 से 3 मिनट के लिए मैं और लाइव हूँ जिसमें आप अपनी सारी लाइव क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है,
तो ये आपका मैंने फुल क्वेश्चन पेपर जो है वो भी शो कर दिया है। इसी के साथ अब हम ना वीडियो का एंड नहीं करेंगे अभी हम, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम वीडियो एंड कर रहे हैं, बट अभी हम एंड नहीं करेंगे। अभी मैं कुछ टाइम तक और लाइव हूँ, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी आप पूछ सकते हैं, ताकि उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप चाहते हो किसी और सब्जेक्ट का सैंपल पेपर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेनली सैंपल पेपर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे पास अगर बायोलॉजी है तो उसका क्या करें, तो अभी जो है मैंने उस टॉपिक पे ऑफिशियल से बात नहीं करी है, तो मैं एक बार पहले उनसे बात कर लूँ मैं एक बार, या फिर आप में से कोई भी बच्चा जो है वो ऑफिशियल से बात कर सकता है। नंबर्स मैंने आपको दो प्रोवाइड किए थे, अगर किसी के पास भी वो नंबर्स है तो आप लाइव चैट्स में प्रोवाइड कर सकते हो, तो मैं उसका जो लाइव है वो मतलब कि उस पर पिन कर दूंगी, और बाकी वरना मैं भी आपको लाइव चैट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी को भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मेनली ये जो आप इनसे मतलब कि आप खुद भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो आपका नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी होने वाली है। तो अब ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और ऐसे ही आपके मेनली 2017, 2018, 2019 और 2020 का मैंने आपको सैंपल पेपर इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगला आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए तो वो भी आप बता देना, ताकि अब जैसी वीडियो एंड होगी उससे पहले ही मैं एक पिन मैसेज कर दूंगी, जिसमें कि अगला जो सब्जेक्ट होगा मोस्ट चांसेस केमिस्ट्री रखूंगी मैं, वरना अगर आप चाहते हैं मैथ्स पहले लाया जाए तो मैथ्स भी बता सकते हैं। इंग्लिश और एप्टीट्यूड की तैयारी मैं इस चैनल पे 11th मई से करवाने वाली हूँ, तो उसकी चिंता मत करना, और मुश्किल से 5 से 6 दिन में आपकी फुल तैयारी मैं करवा दूंगी इंग्लिश और एप्टीट्यूड की। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की तैयारी आप खुद करना थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया सारे क्वेश्चंस। तो चलिए अब मैं वीडियो एंड करने वाली हूँ यहाँ पर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप लाइव सेशन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, एक एक करके मैं आपकी सारी क्वेरीज है वो लाइव सेशन में अभी सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। इसी के साथ करते वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो अभी मैं आपकी सारी क्वेरीज लाइव लेने वाली हूँ।
Thank you.
गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करी मैंने लाइव चैट्स पे, बहुत बच्चों ने एक ही क्वेरी करी थी कि मैं आपको जो है पेपर जो है फिर से एक बार दोबारा से शो कर दूं। तो अब मैं आपको कुछ पेपर जो है वो दोबारा से शो करने वाली हूँ। तो एक बार हम पेपर जो है वो दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो है 2017 का, तो ये सैंपल पेपर है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, ये आपके पास पब्लिकली ही अवेलेबल रहेगी हर वक्त। तो मेनली मैं आपको बता दूं तो ये जो है इस वीडियो में मेनली मैंने आपको बताया था 2017 के, ये आपका सैंपल पेपर है जो कि मैंने आपको शो किया है। तो ये 2017 का सैंपल पेपर है जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चंस है। अभी भी आपके रजिस्ट्रेशन जो है VITEEE के लिए वो अभी भी चालू है, तो इसलिए अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस है 2017 के सैंपल पेपर के। अगर आप चाहते हैं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेन वाले हैं वो भी अपलोड करूँ इस चैनल पे, तो आप बता सकते हैं। बाकी बहुत बच्चे को मतलब कि बता रहे थे कि उनको मतलब कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, तो वो भी जो आपकी तैयारी में शुरू करवाने वाली हूँ तो वो मैं आपको करवाऊंगी 11 मई से। और ये आप देख सकते हैं आपका 2018 का सैंपल पेपर है, तो ये जो स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ। बाकी कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप इंग्लिश वगैरह की तैयारी कैसे कराओगे तो, और इंग्लिश के सैंपल पेपर कैसे प्रोवाइड करोगे, तो इंग्लिश के मैं सैंपल पेपर डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगी एप्टीट्यूड के भी और खास करके इंग्लिश के। दोनों के क्वेश्चन जो है आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो इसलिए उसकी चिंता मत करना। और सिर्फ 5 से 6 दिन की सीरीज होने वाली है वो, तो मुश्किल से अगर हम 11 तारीख से शुरू करेंगे तो 15 या 16 तक एंड भी कर देंगे। तो 15 या 16 तक मैं आपको इंग्लिश और एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छे से करवा दूंगी। बाकी बहुत अच्छे पूछ रहे थे कि हमारे को अगर अच्छे मार्क्स लाने पेपर में तो कितने मार्क्स लाने होंगे 80 में से। तो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट चाहिए तो कम से कम आपके 80 में से 60-70 के बीच में आने ही चाहिए। तो ये मैं आपको शो करी 2019 का सैंपल पेपर, तो ये 2019 का सैंपल पेपर जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरीज है तो आप लाइव सेशन में आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम के लिए और लाइव हूँ। बाकी हम देख लेते हैं लास्ट सैंपल पेपर जो कि मेनली है ये वाला जो कि 2020 का जो फिजिक्स का सैंपल पेपर है, ये मेनली जैसे कि आप देख सकते हैं रेनड्रॉप मास वगैरह के बारे में
कि मास क्या होता है, वेट वगैरह के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो ये हमारा है 2020 का सैंपल पेपर, तो इसको आप चेकआउट भी कर सकते हैं और आप बाद में भी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेनली मैंने आपको इस वीडियो में मेनली यही बताया है कि आपको मैंने इस वीडियो में सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करे हैं फॉर द फिजिक्स, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लाइव चैट्स वगैरह में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड। अगर आपकी अब भी कोई भी क्वेरीज है तो सिर्फ लास्ट एक मिनट के लिए मैं और लाइव हूँ, तो आप उसमें भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।